नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोहन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे पास एक फ़ोन है, वो है लाइफ का जियो मॉडल, जो है वो F221S करके मॉडल है। और इस फोन के अंदर जो है फ्लैशिंग का कुछ इशू आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए, फ़ोन होने के बाद ऑन होने के बाद जो है कुछ इस तरह से आ जाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है ये कुछ इशू इस तरह का आ रहा है दोस्तों। और इसको आज हम फ्लैशिंग करके ये सॉल्व करके दिखाएंगे दोस्तों। तो मेरे साथ इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं लैपटॉप पे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसका फाइल जो है वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके प्लस फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और यदि मान लीजिए वहाँ से ना हो तो बाद में जो है आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। और यहाँ पे जो है फ्लैश टूल भी डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ जो है फाइल डाउनलोड होने के बाद जो है कुछ इस तरह से दिखाया दोस्तों। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके और यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं फाइल को। जो फाइल में एक्सट्रैक्ट हो रहा है और कुछ इंतजार करें। दोस्तों, यहाँ जो है फाइल मेरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है, देख सकते हैं। यहाँ नीचे आ गया है फोन के, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आप, आ चुका है लाइव 221 प्रेस करके। और यहाँ जो है इसको हम ओपन करते हैं, फिर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, दूसरे का फाइल यहाँ पे जो है नीचे प्लेस फाइल है, ऊपर इसका जो है SPD अपग्रेड टूल है वो है दोस्तों। यहाँ पे ये दो फाइल तो मिल जाता है, और तीसरा जो होता है वो USB ड्राइवर होता है। SPD का USB ड्राइवर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है दोस्तों। या तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मेरे में पहले से इंस्टॉल है। यहाँ से हम अपग्रेड डाउनलोड को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ जो है ओपन हो रहा है दोस्तों, ओपन हो चुका है। और यहाँ से जो है हमें फ्लैश फाइल को सेलेक्ट करना होगा। फ्लैश फाइल सेलेक्ट करने के लिए आपको जाना होगा बस जहाँ पे आप फाइल रखे हुए हैं। मान लीजिए हम डेस्कटॉप पे भी रखे हुए हैं, तो डेस्कटॉप पे जाके फ्लैश फाइल को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से जो है देख सकते हैं फ्लैश फाइल मेरा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ जो है कुछ समय लेगा दोस्तों, दो चार मिनट। और यहाँ पे जब फाइल लोड हो जाए उसके बाद जो है आपको करना क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे जो है फ़ोन को EDL मोड में लेना है। EDL मोड में लेने के लिए इसका जो बूट की है EDL की, वो जो है स्टार है दोस्तों। तो यहाँ पे जब है अब हमें करना है यहाँ से स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ स्टार्ट करने के बाद आपको बैटरी फिर से रिमूव कर देना है इस तरह से, और यहाँ जो है स्टार की प्रेस करके और डाटा केबल को जो है लगा देना है फ़ोन के अंदर। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं दोस्तों, फ़ोन जो है मेरा फ्लैशिंग होना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, यदि मान लीजिए आप यहाँ से फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, USB और फ्लैश टूल डाउनलोड भी कर लेते हैं, फिर फ्लैशिंग करते हैं तो नहीं होगा। यदि आप USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं कीजिएगा तो ऐप है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, फ्लैशिंग जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है, पास लिख आ चुका है। अब जो है हम यहाँ पे फ़ोन को ओपन करते हैं, ऑफलाइन करके यहाँ देखते हैं, बैटरी रिमूव कर लेते हैं, इसके बाद जो है फ़ोन को ऑन करते हैं। अब फ़ोन जो है मेरा ऑन तो हुआ है, बट आगे क्या होता है देखते हैं।
तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑन हो चुका है। अभी यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं एक्सेप्ट, तो फोन जो है मेरा कंप्लीट ऑन हो चुका है दोस्तों। तो देख सकते हैं क्लासेस से जो फोन था वो प्रॉब्लम था, कुछ ऐप का इशू आ रहा था, वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे दबाकर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का वीडियो मैं बनाता रहता हूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।